अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और एशिया कप स्टार्ट हो चुका है। आज पाकिस्तान और नेपाल का पहला मैच था, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और बिल्कुल एकतरफा मुकाबला था। शुरू में ऐसा लगा कि नेपाल ने थोड़ा जो पावर प्ले में बॉलिंग अच्छी करी, फील्डिंग अच्छी करी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैच फंसेगा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने बिल्कुल बैटिंग में भी डोमिनेट किया और बॉलिंग में भी बिल्कुल डोमिनेट किया। इसके लिए मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुसब भाई और शरियार भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल आप सुनाए खैरियत से। मुसब भाई, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला हुआ, कोई 10,000 अगर शुरू के हटा दें तो उसके अलावा कोई लगा नहीं कि मुकाबला नेपाल ने किया, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला गया। साहिब भाई, असल में बात तो यही है कि हमें और आपको पता ही था कि पाकिस्तान जिस तरह की टीम है, मतलब बॉलिंग लाइनअप से ले लें आप, बैटिंग लाइनअप ले लें हमारी, और नेपाल जैसी फंसती जो टीम उनकी है वो मतलब इतना डोमिनेट नहीं कर सकती थी, ये पहले से भी पता था। लेकिन जो अर्ली ऑन विकेट्स थी पाकिस्तान की, उसमें ये लगा कि हाँ भाई ये लोग भी खेलने आए हैं, बिल्कुल उन्होंने बताया कि नहीं भाई हम भी हैं, तभी हम एशिया कप में इस दफा एनरोल हूँ, भाई हम भी कोई टीम है। लेकिन जिस तरह वन साइडेड मैच हुआ वो पाकिस्तान के हक में बेहतर था और ऐसा ही होना था कुछ नहीं। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, क्रिकेट है बाय चांस। सॉरी टू से मैं आपकी सब बात से मुतफिक नहीं हूँ। शुरू के ओवरों में ही 2 विकेट हम लोग खो बैठते हैं और वहां से मैच थ्रिलिंग हो जाता है। आप देख रहे होते हैं कि भाई सब लोग इंटरेस्टेड है, भाई हमारे 2 मेन प्लेयर जिसपे इफ्तिखार और फखर और इमाम अलग, सॉरी वो फखर जवान और इमाम अलग, वही हम मेन प्लेयर को ही खूब बैठते हैं। वहीं से मैच की जो है ना थोड़ी सी हम लोग को, वो तो बाबर आजम का शुक्र मनाए कि उसने जो है संभाल ली और हमारी इज्जत भी बच गई, वरना आज हम जो है ना बांग्लादेश की तरह, जिस तरह बांग्लादेश अलग में हड़जत हड्डी की तरह अटक जाता है ना, इसी तरह ये नई टीम भी अटक जाती और फिर आखिर में या अल्लाह दुआएं मांग लो कि भाई जीत जाओ। एक तो क्रिकेट है भी बाय चांस, लेकिन अब इस टाइम अब जो टीम लॉन्च हुई है उसमें बहुत अच्छा हमारी बैकअप है और हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर है। अगर पहली टीम होती जैसे कि अभी फखर जमान ओपनिंग बैट्समैन हमारे आउट हो गए थे तो हमारे मिडल ऑर्डर तो शुरू से ही कमजोर था और कमजोर मिडल ऑर्डर कमजोर होने लगता। अच्छा फखर के फेलियर की बात करें अगर, तो फखर अभी अफगानिस्तान सीरीज में भी बिल्कुल नहीं चले, फिर आज पहला मैच था इसमें भी नहीं चल पाए, तो पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होगी कि अब्दुल्ला शफीक पे जाएं या फिर फखर के साथ ही कंटिन्यू करें? जो फखर एक बड़े मैच के प्लेयर है और वो आपने देखा होगा कि जहां मैटर करता है वहां वो खड़े हो जाते हैं। फखर जमान के बारे में मैं आपको ये बता सकूं कि वो चाइना वाली चीज है, चल गया तो बेड़ा पार है, नहीं चला तो भाई अल्लाह अल्लाह। वो वैसा बैट्समैन है कि वो अपने लिए नहीं खेलता, मुझे जहां तक फील होता, मेरी एक अपनी टीम के लिए वो बस आता है लप्पेबाज इसको कहते हैं, जैसे हमारे हिटर कहते हैं आप उसको, अगर वो चल गया तो फिर उसको स्कोर आपका बहुत हाई लेवल पे पहुंचा देगा और अगर वो नहीं चला तो वो नहीं चला। मेरे हिसाब से फखर जमान को रखना क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेयर है, कोई हल्का प्लेयर नहीं है, आप भी जानते हैं फखर जमान के बारे में। टर्निंग पॉइंट टाइम पे भी ला सकते हैं, मेरा ओपिनियन ये है कि अभी फखर जमान को ही रखना चाहिए। 1-2 मैचेस 3-4 मैचेस हो जाते हैं, हर कोई बैटली हर वक्त फखर जमान परफॉर्म नहीं करेगा, हर वक्त बाबर आजम परफॉर्म नहीं करेगा, हम कोई एक पर्टिकुलर बैट्समैन के ऊपर पूरी पाकिस्तान टीम को रिलाय नहीं कर सकते। उसा भाई आपका क्या ख्याल है कि इफ्तिखार फखर के साथ जाना चाहिए या फिर अब्दुल्ला शफीक से स्विच करना चाहिए पाकिस्तान को? नहीं, इतनी जल्दी अगर फैसला किया जाए इस बात का तो ये अभी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि फखर जमान बड़े मैचेस पे चलता है और अगर एशियन कंडीशंस पे उठा के उसके मैचेस देखें तो वो चोक करता है कहीं ना कहीं, लेकिन जैसे दुबई हो गया और जैसे बाहर के मैचेस हो गए ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस वगैरह जो वो खेलता है तो उसके अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। अब्दुल्ला शफीक की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि फखर जमान को अब्दुल्ला शफीक की जगह रिप्लेस करना, ये बात ये इसमें ये भी आ जाता है तो एक्सपीरियंस भी है फखर जमान को, अब्दुल्ला शफीक इतना खेले हुए नहीं है टीम के साथ, अभी आए हैं वो अलग बात है, लेकिन इतने मेजर टूर्नामेंट्स उसने नहीं खेले उस तरह जिस तरह फखर जमान ने खेले और जिस तरह उनको प्रेशर हैंडलिंग आती है, तो मेरे ख्याल से ये अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ कि फखर के साथ ही इंडिया के खिलाफ उतरना चाहिए। अच्छा बाबर की इनिंग के बारे में क्या कहेंगे? शुरू में 2 विकेट गिर गई, उसके बाद बाबर ने आकर शुरू में थोड़ा स्लो खेला, शुरू में लग रहा था कि बाबर शायद बहुत ज्यादा स्लो खेल रहे हैं, उन्होंने अपने शुरू के 50 रन जो है तकरीबन 70 बॉलों पर बनाए, उसके बाद जो 100 रन है वो तकरीबन 60 बॉलों के ऊपर बनाए, तो गेयर शिफ्टिंग को किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से इस इनिंग को देखते हैं? देखिए एक तो हम लोगों ने अर्ली जो है ना 2 विकेटें गवा दी, तो हमें एक पार्टनरशिप जरूरी नहीं थी और रिजवान और बाबर ने अपनी पूरी जो है ना किरदार अदा करा और बाबर की एक स्टडी यही है कि वो अपनी जो है ना पहले पिच को जो है ना समझता है, उसके बाद बॉलिंग लाइन लाइनअप को
समझता है और न्यू बॉलिंग करना बहुत स्विंग हो रही होती है, तो उसने अभी इसको मतलब समझा है उसमें, तो लगता है टेक टाइम लगता है भाई, आप जब तक विकेट पे गिराते रहोगे तो फायदा क्या, फिर आपके आखिरी शादाब पे अल्लाह शादाब 50 बना दे। तो ये वो बॉलर है भाई, बैट्समैन भी अच्छा है लेकिन मेन उसको जो है ना वो बॉलर पे आया है और बहुत अच्छी इसने 4 विकेट लिए हैं। बिल्कुल, तो वो जरूरी नहीं बैट्समैन पे नहीं आया, बैट्समैन बाबर है, वो बाबर का किरदार यही है, उसके बॉडी लैंग्वेज उसका खेलने का तरीका यही है कि पहले वो समझता है बॉलर को भी समझता है, अपना बहुत अच्छा नाम है उसमें, बहुत सारे रिकॉर्ड इसमें करें इस ओडीआई मैच में, फर्स्ट ओडीआई मैच में। बिल्कुल, वो सब भाई गेम शिफ्टिंग के बारे में क्या कहेंगे कि पहले जो इतना स्लो स्टार्ट लिया बाबर ने, उसके बाद जो अगले 100 रन बनाए वो सिर्फ 60 बॉलों पे, तो बाद में बॉल अच्छा आ रहा था बैट के ऊपर या उस पर चार्ज लेना जरूरी हो गया था, क्या समझते हैं आप इसको? अच्छा, बाबर आजम को मैं इस तरह रिलेट करूंगा कि जैसे अगर आप पीछे आ जाए तो जब मिसबाह उलग होता था टीम में, तो जब मिसबाह उलग टीम को मतलब इनिंग को जब बोलिंग करता था तो सारे पाकिस्तानी बुरा वाला कहते थे और एनालाइजर भी बैठे बुरा वाला कहते थे यार, इनको एक नाम पड़ गया था उनका तब तक। बाबर आजम मसला ये था कि उनको पता था कि मेरी टीम किस स्टेप में जा रही है, मतलब वो आके अगर वो भी वही करके जाते, मतलब जो ऊपर वाले लड़के कर रहे हैं और मेडल ऑर्डर कर रहा है जो हो रहा है और अर्ली ऑन विकेट दे रहा, तो वो संभालते थे, स्टेबिलिटी बैटर करते थे मैच में। तो मुझे जो लगता है वो बाबर आजम के अंदर भी वही चीज है कि वो ये देखता है कि यार मेरा एक तो इतना नाम बना हुआ है, सही है, दुनिया में दुनिया की नजरें मेरे ऊपर है, ठीक है, सब विराट कोहली से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो मैं उस लेवल तक तो नहीं खैर अभी फिलहाल, लेकिन वहां तक जो लोगों ने सोचा हुआ जो एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरा करने की कोशिश करूँ, तो वही किरदार उनका हमेशा से दिखता है, वो एक क्लास है प्रॉपर। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक बात कहूंगा, बाबर आजम और मिसबाह उलग दो डिफरेंट प्लेयर है। ये बाबर आजम अगर आपकी बॉल बेस कर रहा है, आपका अपना स्ट्राइक रेट खराब कर रहा है, तो वो आगे हिटिंग करके उसको कवर अप कर देता है। मिसबाह में ये कैपेसिटी नहीं थी, जब वो हिटिंग करता था तो कैच कैच आउट हो जाता था, मिसबाह हक में इतनी एक्सपर्टीज थी कि वो उसको रोक सके, मैच को मतलब विकेट ना दे, लेकिन ये नहीं थी। जिस तरह से स्ट्राइक रेट को ऊपर बाबर आजम लाता है, बैटिंग लाइन बहुत ज्यादा ही खराब थी, मिडिल ऑर्डर का पॉपर का काफी खराब था, सबसे ज्यादा मिसबाह एक अच्छा बैट्समैन था या यूनुस खान देखे एक अच्छा बैट्समैन था, तो बाबर को फिर ये होता है कि नीचे आके इफ्तिखार का सपोर्ट मिला, उसने आखिर में अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन कर लिया। मेरे ख्याल में मिसबाह को उस वक्त ऐसा कोई पार्टनर भी नहीं मिलता था जो आके इनिंग बिल्डअप कर ले थोड़ी सी, थोड़ा सा उसके साथ जो है वो साथ देते, तो ये भी एक लैकिंग रहती थी। अच्छा, अगली जो बात है कि आज 6 आउट हुए पाकिस्तान के, 2 रन आउट हुए और एक तो रिजवान था वो बहुत ही पुअर रनिंग लगी बिल्कुल, कि उन्होंने सीरियस ही नहीं लिया शायद अपने विकेट को और वो ऐसे चलते हुए चले गए, और दूसरा इमाम अहमद रन आउट हुए, तो पाकिस्तान की रनिंग थोड़ी खराब रही, इस पर तवज्जो देने की जरूरत है या फिर नेपाल की फील्डिंग कुछ एक्स्ट्रा भरी थी? दोनों फैक्टर मैं इसमें कहूंगा कि पाकिस्तान की रनिंग में भी थोड़ा फ्लॉ है, तो थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है, वो जब मैच के बाद जब देखते हैं प्लेयर्स देखते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है वो एनालाइज करते हैं कि भाई कहां पर हमने शूटिंग करी थी, तो वो जाहिर सी बात है वो कवर अप करेंगे इन सब चीजों को, और लाजमी सी बात है यही नहीं हो सकता कि सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से गलती हुई, नेपाल की फील्डिंग की भी दाद देनी चाहिए, जिस तरह उनके लड़कों ने चढ़ के खेला और बताया कि भाई नहीं हम खेलने आए हैं, कोई मतलब ऐसी मजाक नहीं है कि आप आए और खेल के चले गए ऐसी। अच्छा, नेपाल की अगर इस रन आउट के अलावा देखें तो कोई बेस फील्डिंग बहुत ज्यादा थी, तो नेपाल को कितना नहीं आया है, लेकिन मुझे उनकी फील्डिंग इतनी नहीं, हमारा जो है ना मिस्टेक है इस टाइम, हमारा मिस्टेक है, आप हम लोग जज्बाती है ना, मतलब देख रहे नहीं होते, भाग रहे होते हैं, अब खाली ये 2 विकेट नहीं, शादाब अपने 50 से गवा पिछले मैच में अफगानिस्तान की सीरीज में, क्या हुआ बेचारा 50 से हो गया, वो तो बहुत ऐसा नहीं होता ना कि मतलब आप ये कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, ये रूल हो चुका है मेरे भाई, ये वो अफगानिस्तान ने कोई चीट नहीं करी थी, हम अपने आप मिस्टेक को बताएं, अपनी मिस्टेक से सीखें, ये नहीं कि भाई उसमें कॉन्ट्रोवर्सी कर दी थी, ये चीटिंग कर दी थी, ये तो ऐसी बहुत सारी मीम्स भी बनी हुई थी कि अफगानिस्तान चीटर है, उनको अगो नहीं है भाई, उनके अंदर अफगानिस्तान के अंदर एक आप कह सकते हैं तासुब पन है, एक पाकिस्तान से चिढ़ते हैं, हर चीज कहते हैं, लेकिन वो रन आउट रूल आ चुका है और आप भी उसके रूल्स के फॉलो करोगे,
बिल्कुल, तो आप अंधे तो नहीं हो कि भाई बॉलिंग पे आ रहा है आप अपने पिच छोड़ के लाइन से आउट हो रहे हो तो वो ये प्यार मोहब्बत वाला गेम तो नहीं चल रहा, चल यार छोड़ यार इसकी काफ से कच्ची थी, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। बिल्कुल। अच्छा मुसा भाई, आगा सलमान जो है वो बैटिंग में तो अभी हमें उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नजर आई नहीं है, अफगानिस्तान के खिलाफ भी और आज के मैच में भी, और अगर हम इनको एज ए ऑलराउंडर देखते हैं तो इनसे बॉलिंग में भी इतना ज्यादा इनको इस्तेमाल किया नहीं गया, आज भी बिल्कुल नहीं किया गया, और खासतौर पर जब दूसरा ओडीआई जब हमें कोई विकेट नहीं मिल रही थी, तकरीबन उनकी 220-225 की पार्टनरशिप लगी और कोई हमें विकेट नहीं मिल रही थी, इस दौरान आगा सलमान को ला के इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन तब भी आगा सलमान को इस्तेमाल नहीं किया, तो मतलब एज ए स्पेशल बैट्समैन उनको खिलाया जा रहा है, तो आप नहीं समझते कि इनकी जगह सईद शकील हमारे पास बेहतर ऑप्शन है, मतलब अगर सिर्फ बैट्समैन के उस पर खिलाना है आपको रेल पे खिलाना है तो? यार इस पे मेरा ये मौके था कि मुझे जहां तक मेरा जो ओपिनियन है इस पे वो ये है कि आगा सलमान मुझे नहीं पता कि किसकी पर्ची है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मुझे मतलब उसको जो आप नहीं प्लेयर अच्छा है उसके 44 का एवरेज है उसका ओडीआई के अंदर, ओडीआई के अंदर 44 का एवरेज है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है मतलब टीम को जो जब जिस स्टेज पे उसको जरूरत है, मतलब कि जो टीम की रिक्वायरमेंट के लिए उसको प्लेयर करा रहे हैं जिस नंबर पे, अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा तो वो 44 का एवरेज हो या 1000 रन किए हैं उसने तो वो मैटर ही नहीं करता ना। और दूसरी बात ये कि आपने जैसा कहा कि बॉलिंग में कर देता है अच्छा कभी कभी, लेकिन बॉलिंग में अफगानिस्तान के खिलाफ वो लेकर नहीं आए, बॉलिंग बॉल उसने नहीं दबाया, आज भी इस्तेमाल नहीं किया उसको, तो इस वाले सिनेरियो से मुझे इंडिया और पाकिस्तान का मैच वो याद आ रहा है जब मोहम्मद नवाज को सिर्फ एक ओवर दिया था बाबर आजम ने, अलग ही 3 ओवर उसके रहते थे, वहां पे उसको यूटिलाइज नहीं किया था सही से नवाज को। कौन सा मैच? इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था जो हारा था पाकिस्तान 22 के नवाज का खुद का भी कहना है कि लेफ्ट हैंड को उनको थोड़ी बॉलिंग करने में मसला होता है और उस वक्त बेन स्टोक्स बैटिंग पे थे, तो वो मेरे ख्याल है उस वक्त बाबर के लिए सबसे अच्छी चॉइस इफ्तिखार ही थी, क्योंकि नवाज आप खुद भी देखेंगे तो उनका बॉलिंग एवरेज जो है वो लेफ्ट हैंडेड के खिलाफ उतना अच्छा नहीं है। और मैं वहां पर आकर सलमान आगा वाली बात भी थोड़ा सा डिसएग्री जरूर करूंगा, क्योंकि आपने कहा कि वो पर्ची मुझे समझ नहीं आती किसकी, लेकिन टेस्ट मैच में आप उनकी परफॉर्मेंस को बनाए नहीं कर सकते, टेस्ट मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये हम जरूर कह सकते हैं कि टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस को उनको ऑडियो में शामिल कर लिया गया, लेकिन पर्ची वो कहीं से नहीं। आपका क्या कहना है शरियार भाई? सलमान आगा को जब भेजा गया ना तो उस टाइम हिटिंग की जरूरत थी, क्योंकि 25 ओवर या 28 ओवर हमारे चले गए थे, तो ऑब्वियसली बात है कि हिटिंग में ये होता है या तो आर या तो पार, और जिस टाइम पाकिस्तान को जिस चीज की नीड होती है उस प्लेयर को ही भेजा गया है, मतलब सलमान आगा को था कि मैंने रन रेट को ऊपर लेके जाना है तभी वो हिटिंग कर, अब वो हिटिंग जो है ना बाई चांस है कि लग गया वो तीर और नहीं लगा तो नहीं, और रहा साहब बॉलिंग लाइन, हमारी बॉलिंग लाइन वैसी तगड़ी है, अगर कोई बॉलर नहीं चल रहा होगा तब सलमान आगा को लेके ओवर देंगे ना, हमारा कैप्टन का फैसला मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, जब एक चीज अच्छी चल रही है तो हम उसमें बात आ रही है जहां हमारी बॉलिंग यूनिट फेल थोड़ा सा नजर आया, क्योंकि 220 की पार्टनरशिप लग गई ओपनिंग पार्टनरशिप और हमें विकेट नहीं मिली, वहां भी सलमान आगा को उस वक्त यूटिलाइज नहीं किया गया, इस पर मैं थोड़ी बात कर रहा था कि अगर उनको सिर्फ बैट्समैन के तौर पर खिलाना है तो सब शकील ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो के कप्तान को कि हमारा हो सकता है वो इस चीज को डर रहा हो कि भाई जब सीनियर प्लेयर फिट रहे हैं तो ये तो अभी नया नया आया है, लेकिन थोड़ा सा उसको एक रिस्क लेना चाहिए था कि सलमान आगा को उस टाइम पे बॉलिंग देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तो हम लोग जीत चुके हैं तो मैंने किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकता कि भाई अफगानिस्तान के मैच में चाहे कुछ भी हुआ विनिंग तो हुआ, लेकिन एक रिस्क लेना चाहिए, देखिए रिस्क से ही बैट्समैन या बॉलर की पहचान आती है कि हाँ भाई ये किस कैपेबिलिटी का है। बिल्कुल। अच्छा आपने रन रेट की बात करी थी, जब आगा सलमान आए तो रन रेट उस वक्त जो है वो थोड़ा बढ़ाना था, उसको बढ़ाने के लिए शायद उसने हिट करी तो एक दो शॉट हिटिंग में लग जाती है कि भाई शॉट खेल जाता है बंदा। अच्छा तो इसी से मुताल बात कर लेते हैं इफ्तिखार के लिए, क्योंकि उन्होंने आके जो है वो रन रेट भी ऊपर किया और अपनी सेंचुरी भी अटेम्प्ट करी, भाई उनको तो लकब दिया हुआ चच्चा मियां, और वो हमारे पास एक अनमोल लड़का नए में आप कह सकते हैं जो है वो आते सेफ कर लेते पाकिस्तान को, अगर आप देखें इंडिया वाले मैच भी उन्होंने सेव किया, साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी उन्होंने वर्ल्ड कप में 2022 में सेव किया, फिर आज भी आप देखें तो ऐसे न्यूजीलैंड वाला भी टर्म में भी उन्होंने एक जगह बीच में आके सेव किया, तो क्या रोल है उनका और किस तरह से इनकी इनिंग को आप देखते हैं?
नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरी नजर में एक बहुत अच्छा हमारे पास मिडल ऑर्डर है हमारे पास, कि अल्लाह ना करे कुछ हमारे शुरू के दो तीन प्लेयर आउट हो जाते हैं तो उसको संभालने वाला मतलब एक एक्सपीरियंस बंदा जो हर चीज को टेक ओवर कर सके। बाकी गलतियां हर किसी में से हो सकती है, क्रिकेट बाय चांस है जिसका मैं शुरू से कह चुका हूँ। और इस टाइम जो हमारी पाकिस्तान टीम एशिया में उतरी है तो हम कह सकते हैं कि हम बेस्ट है, बेस्ट है। अरे शाहीन की जो हैबिट बन गई है फर्स्ट ओवर विकेट, आज मुझे लगा नहीं कि उन्होंने एलबीडब्ल्यू वाले जो आउट था वो बहुत एक अच्छे उन्होंने विकेट की, लेकिन जो उनको पहली विकेट मिली वो मुझे बॉल इतनी कोई खास नहीं लगी, लेकिन शायद उस शाहीन का ही रोक था तो वो विकेट मिल गई कि वो बॉलिंग बस शाइन करा रहा। लेकिन हर मैच में उनकी एक हैबिट बन गई है फर्स्ट ओवर विकेट जो, इस बारे में क्या ख्याल है कि आगे इंडिया वाला मैच भी है और क्या इंडियन कैंप में माहौल होगा कि शाहीन की फर्स्ट ओवर मतलब न्यू स्पेल किस तरह से फेस करना? अरे शाहीन और फर्स्ट ओवर की एक अलग ही केमिस्ट्री है, जैसे आपको पता होगा मतलब जब से उन्होंने फर्स्ट ओवर में विकेट लेना शुरू करी है तो बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं कि एक हैबिट बन गई है। लेकिन इसमें एक और चीज है कि जैसे हारिस और शाहीन के पास दो बार फिजियो है ना इस मैच में, आपने देखा होगा, तो मेरे ख्याल से जो एक तो ये बात भी है कि मतलब इन लोगों के ऊपर वर्कलोड भी ज्यादा है। आपने बोला कि वो बॉल उसने नहीं की जहाँ पे मतलब जिस तरह ऐसा लग रहा था कि एक तो इस पर रोक प्लेयर के ऊपर वो प्रेशर, उसके प्रेशर में भी विकेट चली जाती है, सही है। और अगर कोई स्पेशल बॉल नहीं कर रहा तो वो क्यों नहीं कर रहा आपके जहन में? जैसे आपने तो बॉल आगे पीछे हो जाती है, लेकिन जिस बॉल पे विकेट मिली वो बॉल मुझे नहीं लगता था कि वो विकेट वाली बॉल है। तो मतलब कभी कभार हो जाता है ऐसा, लेकिन ये है कि वो तो उसकी तो क्लास ही अलग है ना, मतलब शाइन तो अगर आपका देखो शाइन की फर्स्ट ओवर की जो विकेट है देखिए एक खिलाड़ी बन गई, ये जो पिच थी ना थोड़ी इसमें बॉल स्विंग हो रही थी। सेकंड जब नई बॉल होती है तो ऑटोमेटिकली स्विंग हो रही होती है। और दूसरी चीज के एक वर्ल्ड क्लास बेस्ट बॉलर है हमारे पास ना, जिसका पूरी दुनिया में नाम जाना जाता है, चाइना शाहीन शाह अफरीदी, मतलब बहुत अच्छा है। तो जो बैट्समैन होता है वो भी न्यू टीम का, तो वो पहली मरतबा फेस करता है, ऑब्वियसली बात है एक तो बॉल भी स्विंग हो रही है वो डर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उनके लिए। अच्छा मुसा भाई आपने फिजियो की बात करी, फिजियो दो दफा आया, इसकी मैं बात करना चाह रहा था आपसे कि क्या वजह है कि पहले फिजियो को शाहीन को चेक करने आना पड़ा, फिर हारिस को चेक करके आना पड़ा, और पांच पांच ओवर दोनों से करवाए थे कंटिन्यूसली। आज बाबर फील्ड पे मौजूद नहीं थे कैप्टनसी करने के लिए, शादाब जो है वो चीजें देख रहे थे, तो शाहीन से पहले उन्होंने कंटिन्यूसली पांच ओवर करवाए, फिर हारिस से भी पांच ओवर करवाए, नसीम शाह भी फील्डिंग में थोड़े ऑफ ऑफ लग रहे थे, तो क्या वजह है कि ट्रेवलिंग भी बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी लाहौर आना है फिर श्रीलंका जाना है, इससे पहले जो है वो हमारे तीन जो मॉलर है इसमें से एक ये प्रीमियर लीग खेल रहे थे श्रीलंकन, और दो जो है वो हंड्रेड लीग खेल रहे थे, तो शायद वर्कलोड मैनेज नहीं हो पाया है इस वजह से थोड़े जो है ये टायर्ड नजर आए, या क्या वजह है? हाँ बिल्कुल यही बात है कि मतलब जिस तरह एंगेजमेंट है इन बॉलर्स की, खासतौर पर शाहीन की, हारिस राउत की और नसीम शाह की, हारिस और शाहीन जो हंड्रेड और एलपीएल लीग जो खेल कर आए, एक तो वो है वहाँ पे कंटिन्यूसली एंगेज रहे थे लोग, उसके बाद ट्रेवलिंग है, फिर आपका एटमोसफेयर है ठीक है, गर्मी ज्यादा है, गर्मी बहुत सारी चीजें हैं, तो भाई ये है कि थोड़ा वर्कलोड थोड़ा कम अगर होगा चीजें, अगर मतलब जिस तरह कुछ कुछ मैचेस में अगर इनको थोड़ा बहुत रिलीफ दे दिया, जैसे कंटिन्यूसली पांच ओवर करा रहे हैं उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन कर दी कि किसी दूसरे बंदे को लगा दिया, किसी और ने ओवर करा दिया, दो ओवर रुक के बॉलिंग दे दी उसको, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा बेनिफिट भी होता। अच्छा शेर भाई आपको नहीं लगता कि आज का मैच वो मैच था जहां रेस्ट कराया जा सकता था? बिल्कुल सी बात है, मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये मैच था जिसको हमारे न्यू कमर्स को चांस देना चाहिए था, हमारे जो इतना ट्रैवलिंग कर लेते हैं सब कुछ कर लेते हैं ड्रामेबाजी है उनको जो ना छोटी छोटी सी बात पे होती रहती है। शेब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, शेब अख्तर ने बोला हुआ भाई कि अगर मैं बड़ा मैच खेलता तो भाई मैं इंजेक्शन लगवाता फिर वापस जाता, इंजेक्शन लगवाता फिर वापस जाता, यहाँ पर तो थोड़ी सी बात पे भी ड्रामेबाजी लगा देते भाई। अगर आप अनफिट हो तो भाई कप्तान का रूल बनता है कि नेक्स्ट, क्योंकि इतना बड़ा मैच भी नहीं था मेरी नजर में, एशिया का वर्ल्ड कप का पहला मैच था, हम लोग को जीत सकते, लेकिन आपकी मुखालिफ टीम इतनी बड़ी नहीं थी, आप कोई नए बंदे को अगर आप जानते हो कि आपने आपके जो सुपर स्टार है वो ज्यादा जल्दी अनफिट हो जाते हैं बेचारे, मतलब देसी वेसी की कुछ चीजें खाते ही नहीं है या पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता इतनी अनफिट क्यों हो जाते हैं, तो ना उनके अंदर अब स्टेमिना रह गया मेरे ख्याल से। अच्छा पाकिस्तान के पेस अटैक की तो तारीफ दुनिया भर में हो ही नहीं है कि दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक जो है वो इस वक्त
पाकिस्तान के पास है। और अब ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे शादाब खान भी जो है वो, क्योंकि पीएसएल के दौरान कुछ इंजरीज वगैरह हुई थी तब से थोड़ा ऑफ कलर्स लग रहे थे, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ मैचेस में ऐसा लग रहा है कि वो अपने फ्लो में वापस आ गए हैं। आज भी 4 विकेट उन्होंने ली। तो अब इस स्पिन बॉलिंग के साथ और इस पेस अटैक के साथ पाकिस्तान का जो बॉलिंग यूनिट है इसको कहाँ देखते हैं कि कैसा बॉलिंग यूनिट है? कैसे फास्ट बॉलर को फेस नहीं करना, अब बैट्समैन ने रेडी होना है स्पिनर के लिए, क्योंकि शादाब खान जैसा स्पिनर भी बहुत मौजूद है। नवाज भी हमारे पास अच्छा, नवाज भी अच्छा स्पिनर। नहीं, इस पे यही है कि मतलब ये पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए, कैप्टन के लिए और मैनेजमेंट के लिए। भाई मतलब एक तो बंदी भी बात थी ना कि मतलब एक पेसर अटैक है आपके पास, कोई ना कोई आ ही रहा है और मतलब सर्व कर रहा है फास्ट बॉलिंग यूनिट में। अब जैसे शादाब आगे आया है और जिस तरह वो करता है, वो तो मतलब ऑलराउंडर भी एक अच्छा प्रॉपर बंदर है, फील्डिंग ले लें उसकी, बैटिंग ले लें, बॉलिंग ले लें, तो अब जाहिर सी बात है ये अच्छा गुड साइन है। आपका देखते हैं शादाब की देखें, अकेला अगर आप शादाब को कह दें कि अच्छा है, शादाब बहुत अच्छा बॉलर है और ऊपर से हमारे पास ये बैट्समैन भी अच्छा है और एक अच्छा है। लेकिन और भी स्पिनर है, इफ्तिखार है, अभी मैंने उसकी बॉलिंग देखी उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। इफ्तिखार मोहम्मद नवाज हमारे पास अच्छा बॉलर है, सही। हमारी बॉलिंग लाइनअप तो शुरू से अच्छी थी, लेकिन अब जो है ना हम लोग प्राउड करते हैं हमारा बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है। हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत कमजोर था और अभी हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। और इस टाइम अभी मैं आपको कह दूं तो हम वर्ल्ड के टॉप ऑफ 10 में बॉलर और बैट्समैन दोनों हम लोग रैंकिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, और टीम अच्छी उतरी है इस मरतबा एशिया में, एशिया कप के लिए जो अनाउंस हुई है वो बहुत अच्छी उतरी है और होप करते हैं कि एशिया कप हम जीतेंगे। अच्छा जी, आज का मैच तो जो है वो वन साइडेड था ही और लग भी रहा था कि वन साइडेड ही होगा, कोई मुकाबला में देखने को मिलेगा, लेकिन कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है अब बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान। इनके दरमियान पहले भी जो है वो थोड़ी नोकझोंक रही है मुकाबले में आपस में, तो कल का मैच कहाँ देखते हैं मुसद्दई, आपके कल क्या नजर आ रहा है? से कोई कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है या फिर कोई वन साइडेड मुकाबला होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका क्लियरली जीतता हुआ नजर आता है मुझे, क्योंकि इसकी वजह यह है कि एक तो पिछले टाइम का एशिया कप जीते है, ठीक है, ऊपर से फिर वो वर्ल्ड कप के लिए जो क्वालिफाइंग मैच है वो कल करके आए हैं, ठीक है, तो वो एक टीम एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में, ऑल्दो कि उसके दो बड़े मेन प्लेयर बाहर है, लेकिन ये कि फिर भी वो एक कॉम्बिनेशन उन्होंने बना लिया और वो रिदम में टीम है। फिर अच्छे रिदम में भाई कैसे कैसे मैं मान लूं भाई, बांग्लादेश 110% बांग्लादेश जीतेगी, क्यों? क्योंकि भाई बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे को मैच जो है ना हड्डी में ला रहा था और जो ना उनका हलक में ले आता मैच बांग्लादेश, मतलब उनको राइट ऑफ करना बिल्कुल नहीं भाई, वन साइडेड, ये भी मेरे हिसाब से वन साइडेड नहीं तो इजी टू विन है, इजी टू विन बांग्लादेश 100% इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह भी यू कह रहा, हालांकि मेरी टीम नहीं है लेकिन उनके पास कोई टीम का कोई भी प्लेयर अभी मेरे हिसाब से मौजूद भी नहीं है श्रीलंका के पास, शाकिबुल हसन है प्लेयर है और मैन ऑफ द मैच भी शाकिबुल हसन होगा इंशाल्लाह मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं मुझे बिल्कुल अंदाजा, क्लियरली अंदाजा है कि ये वन साइडेड वन साइडेड नहीं रहेगा लेकिन इजी टू विन रहेगा, बांग्लादेश विन करेगा और साकिबुल हसन जो है मैन ऑफ द मैच होगा इसमें। चलो जी, ये तो कल देखेंगे मैच के बाद, जब कल तबसरा करना बैठेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीजें सामने होंगी, सब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस सामने होगी, तो कल ही बैठ के इस पर बात करेंगे। तो अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए, कल जो है वो बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच के बाद दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।